गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में आई 20 गाड़ी नहर में गिर गई। अंधेरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। गाड़ी में सिविल इंजीनियर और उनकी पत्नी सवार थे। मौके पर उन्होंने काफी शोर मचाया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया तो सिविल इंजीनियर ने पत्नी को गाड़ी की छत पर बैठाया और किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकले, जिससे दोनों की जान बच गई। इस बीच मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मौके पर आई पुलिस ने पति पत्नी को सकुशल उनके घर पहुंचा। गाड़ी डूबने की आपको सूचना मिली थी, कौन लोग थे इस गाड़ी के अंदर? एक लेडीज थी, एक जेंट्स। अच्छा, किस तरीके से उनको निकाला गया, बचाया गया? उनको इस तरीके से गाड़ी के अंदर आदमी था ना, उसने बहुत हिम्मत करी, पहले उन्होंने अपनी बीवी को निकाल कर छत पर बिठा दिया जी, और फिर बाद में खुद चढ़ा, फिर ऊपर से कपड़े डाले, उधर रस्से से बांध के उन्हें दोनों को खींचा गया। अच्छा, आप लोगों को कब सूचना मिली थी इसकी? हमको 5 मिनट में यहाँ पर आ गए थे, मुँह इतने पूरी इतने हमें फोन आ गया, देखते हम चौकी पे रहते हैं, इंडियन चौकी। सर, किस तरीके से आपको गाड़ी गिरने की सूचना मिली थी, क्या कितने लोग सवार थे इसमें? इसमें दो लोग सवार थे, हम इधर वसुंधरा से अपने घर की तरफ जा रहे थे, हम यहीं इंडियन पुस्ता बालाजी आर पे रहते हैं। हमने दो जैसे ये गाड़ी दिखी, गिरती हुई देखी तो लोगों को आपस में एक दूसरे से बताया, गोता हो रहा है, उनकी सहायता से दोनों लोगों को बाहर निकाला। सर, दोनों लोग सुरक्षित हैं क्या? दोनों लोग सर, कुछ पता चल पाया कि वो लोग क्या करते हैं, कहां से आ रहे थे? पता किया, वो लोग परेशान थे, उनको गाड़ी में बैठा के भेज दिया गया, तो अभी गाड़ी यहीं है, बाकी पुलिस की सहायता से गाड़ी बाहर निकल। ठीक है सर।